हजारों काम तो तुम कर रहे हो, नबी ने तो कभी मदरसा नहीं खोला, तुम क्यों मदरसा खोल के बैठे हो? नबी के जमाने में तो कोई इस तरह आलिम बन के सनद नहीं दी आती थी, तुम सनद क्यों देते हो? अरे सब छोड़ो, नबी के जमाने में कोई तबलीगी जमात दिखा दो तो 40 दिन के लिए निकली हो। अच्छा जाने गिरामी, इसने सबसे पहली बात क्या कही? देखिए, हजारों काम तो तुम कर रहे हो, नबी ने तो कभी मदरसा नहीं खोला, तुम क्यों मदरसा खोल के बैठे हो? ये कह रहा क्या, हजारों काम तुम करते हो और नबी ने कभी मदरसा नहीं खोला? इस जाहिल को नहीं मालूम कि मदरसा की बुनियाद किसने रखी और कहाँ रखी गई थी। इसे पता ही नहीं कि नबी ने मदरसा नहीं खोला। तो जब मदरसा नहीं खोला नबी के ज़माने में, तो सहाबा किराम ने तालीम कहाँ हासिल की? जन्नत में। इस जाहिल से पूछिए, सहाबा तालीम कहाँ हासिल करते थे, इल्म कहाँ हासिल करते थे, कुरान करीम याद कहाँ करते थे? हज़रत उबै बिन काब रज़ी अल्लाह तआला जो सैदुल कुर्रा थे उस वक्त, यानी बहुत अच्छी आवाज़ अल्लाह ने उनको नवाजी थी, वो कुरान करीम कहाँ मश्क करते थे, कहाँ हिफ्ज़ करते थे? इस जाहिल को पूछिए, इसके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने रटी रटाई बात याद करके मिंबर पर बैठ गया ये शख्स। हम आपको बताते हैं कि मदरसा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदरसा खोला था या नहीं खोला था। अब सीरत की किताब उठाइए, असीरतुन नबवीया जिल्द नंबर 1, आप उठा कर देखिए कि इसके अंदर लिखा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मदरसे की बुनियाद रखी थी, उस मदरसे का नाम था दारे बनी अरकम। इस मदरसे में तमाम सहाबा किराम इल्म हासिल किया करते थे। इस मदरसे के अंदर हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु इस मदरसे के ज़िम्मेदार बना दिए गए, और सबसे ज़्यादा मेहनत इन्हीं की रही है जद्दोजहद इल्म हासिल करने में। और तमाम सहाबा किराम जब हदीस सुनने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा से करीब ही एक कोहे सफ़ा एक है, वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर हजरत सहाबा किराम बैठ कर इल्म हासिल करते थे। जब कभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते तो सहाबा किराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इर्द गिर्द जमा हो जाते हदीस सुनने के लिए, कुछ नई बात उनसे मालूम हो जाए फिर उसको याद करते, या कुरान करीम की कोई आयत नाजिल होती सुनते फिर उसे याद करते। तो यही एक जगह थी जहाँ सहाबा किराम बैठ कर याद करते थे। तारीख़ इस्लामी में उस जगह को मदरसा करार दिया गया, और सबसे पहला मदरसा उसी को करार दिया गया। ये मुअर्रिखीन का मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि यही पहला मदरसा है शरीयत इस्लामिया का। और ये जाहिल कह रहा है कि आप अलैहिस्सलाम ने कोई मदरसा नहीं बनाया। और दूसरी बात इसने कही कि सर्टिफिकेट उन्होंने किसी को नहीं दिया, सनदे नहीं दी, और तुम सनदे बांट रहे हो, यानी आलिमियत की सनद, क़िरात की सनद, हाफिज़ होने की सनद। तो ये सनद देना गोया कि एक बिदअत अमल ये शुमार कर रहा है। मैं बिदअत की वजाहत करता चलूँगा कि बिदअत कहते किसे हैं, इसने बिदअत का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा। तो रहा मसला सनद देने का, तो सनद तो सहाबे किराम को दे दिया गया है। आप पारा नंबर 11 उठा कर देख लीजिए, सूरह तौबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, वस्साबिकूना अलअव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अनसार वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। सहाबे किराम को सनद दे दी गई कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह तबारक व तआला से राज़ी हो गए हैं। ये सनद है, पूरी दुनिया के अंदर इससे बड़ी सनद नहीं हो सकती। ये दूसरी बात, ये आगे देखिए, सब छोड़ो, नबी के जमाने में कोई तबलीगी जमात दिखा दो जो 40 दिन के लिए निकली हो बोरे बिस्तर लेकर। ये कह रहा कि नबी के जमाने में कोई तबलीगी जमात दिखा दो जो तबलीग करने के लिए 40 दिन के लिए निकले हो। मेरे भाई, आप अलैहिस्सलाम की बेहसत ही तबलीग पर मबनी है। सहाबा किराम का ओढ़ना बिछोना ही तबलीग था। तबलीग का माना है पहुँचाना। हदीस पाक में है, बल्लिगु अन्नी वलव आया, कि एक आयत भी अगर तुम्हें मिल जाए कहीं से तो उसे पहुंचाओ। ये पहुंचाने के ज़ुमरे में, अब चाहे आप 40 दिन रहकर पहुंचाए या 30 दिन में पहुंचाए, ये आपके इंतज़ामी मामलात पर मबनी है। इंतज़ामी मामलात और हैं और शरई मामलात और हैं। तबलीग करना ये शरई मामलात है, किस नौईयत पे करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस वक्त करना है, ये इंतज़ामी मामलात है। आप सुबह के वक्त करें तो ये आपका अपना फ़ैसला है। तो अवकात शरीयत की तरफ से तबलीग के लिए मुकर्रर नहीं किए गए हैं। तो इंतज़ामी मामला को इन्होंने बिदात बना दिया है। यानी जो शख्स 40 दिन के लिए अगर जा रहा है तो इनकी नज़र में ये बिदात है कि आपने 40 का आदत कहाँ से तय किया, 40 दिन आपने कहाँ से निकाले, ये इनका कहने का मकसद है। तो अगर कोई शख्स 30 दिन के लिए भी जाता तब भी इनका यह सवाल होता, 2 दिन के लिए जाता तब भी यही सवाल होता। तो बिल आखिर उसे कभी ना कभी तो घर लौटना है ना। जो भी शख्स तबलीग के लिए निकला है उसे घर तो कभी ना कभी लौटना ही है। अब वो 37 दिन में लौटे, 40 दिन में लौटे, या उसके ऊपर। अलबत्ता अकाबरीन का फ़ैसला ये है कि 40 का जो आदद है ये किसी भी काम में बहुत मुफीद साबित होता है।
इसके अंदर एक तासीर है, किसी भी काम को परवान चढ़ाने के लिए 40 दिनों का, 40 अददों का बड़ा अमल दखल है। इस तरह यही बरेलवी हजरात जब कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो चाह 40वां करते हैं ना, 40वां करते हैं, तो 40वां तुम कहाँ से लाए? तो अगर ये कोई सवाल यहाँ पर करे कि भाई तुम 45वां क्यों नहीं करते, 37वां क्यों नहीं करते, तो 40वां ही क्यों करते हो, तब इनकी तरफ से क्या जवाब आएगा? आपको भी पता है जवाब ये आएगा कि 40 का जो एक आदत है वो बड़ा मुअस्सिर है। तो यही चीज़ अकाबिरिन का एक तजुर्बा है कि 40 दिनों में अल्लाह तबारक व ताला पैदरपे अमल करने वाले को बरकत दे देते हैं। 40 दिन तक किसी अमल को मुसलसल करना ये बड़ा बाबरकत एक सिलसिला बन जाता है, बस इसीलिए है। वरना 3 दिन के लिए भी जाते हैं लोग, कोई फ़र्ज थोड़ी ये 40 दिन में, अगर कोई गया 20 दिन में वापस हो गया तो ये थोड़े कि वो तबलीग के बगैर वापस हुआ, नहीं, तबलीग उसने की है। एक आयत की तबलीग हो, पूरे कुरान की तबलीग हो, एक दिन की तबलीग हो, या पूरे साल की तबलीग हो, साल लगाना ये इंतज़ामी मामला पर बात है। भाई आपको रहना कितना दिन है वो अपने कामकाज के हिसाब से लोग वक्त निकालते हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा वक्त है तो वो पूरे साल के लिए निकल जाता है, बिलाखिर घर तो लौटना ही है, वो अब हमेशा के लिए वो थोड़ी वहाँ पर रहेगा, वो जब भी लौटेगा वो कोई ना कोई वक्त होगा उसके लिए। तो ये आगे देखिए, बोरे बिस्तर लेकर, तो ये तो सबसे बड़ी बिदअत है, तुम लेकर बैठे हो, तो ये नबी ने किया है। ये कह रहा कि बोरे बिस्तर लेकर निकलना ये सबसे बड़ी बिदअत है, अस्तग़फिरुल्लाह, यानी दीन का काम करना, लोगों को घर घर जाके दीन की दावत देना, ये बिदअत है। जो काम तुमसे नहीं हो सका, जो काम तुम नहीं कर सके, न करना चाहते हो, वो काम आप अलैहिस्सलाम से आने वाले लोग जो उलमाए हक है, अवाम हक है, वो लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं, जो मुबल्लिगीन हजरात हैं, जो दाई है, वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, तो तुम इसे बिदात का लेवल दे रहे हो। होना तो ये चाहिए तो जो काम तुम कर रहे हो उसके ऊपर दलील पेश करते। हम तो इंतज़ामी मामलात पे ना, इसके ऊपर सवाब नहीं है। अब 40 दिन के लिए जमात में निकल रहे हैं तो 40 दिन पर कोई फजीलत नहीं है, किसी भी हदीस से नहीं है, ना कुरान की कोई आयत, ना कोई हुक्म है, ये साफ़ ऐलान है। अब 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो 3 दिन पर कोई फजीलत नहीं है। हाँ, उस काम के ऊपर फजीलत है जो काम आप कर रहे हैं, आप कितनी क्वांटिटी में वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर बात है। वक्त अय्याम कोई अमल दखल नहीं है फजीलत के लिए जी। लिहाजा जब ये दीन का हिस्सा नहीं हुआ, दीन का हिस्सा समझकर कोई नहीं निकलता। ऐसा नहीं है कि हम 40 दिन अगर नहीं गए या साल नहीं गए तो अल्लाह का अज़ाब हमें नाजिल होगा, या अगर चले गए तो हमने दीन का बहुत बड़ा हिस्सा अदा कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि ये अपने फरागत के अय्याम के हिसाब से इसको सेट किया जाता है। याद रखिए, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, माफ करें, ये दूसरे इमाम हैं, ये उनसे भी पहले के इमाम इब्ने हजर के, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, बुखारी की शरह लिखी, फतुल बारी, शरुल बुखारी के नाम से, उसमें बिदत की तारीफ वो ये बयान करते, कहते बिदत उस काम को कहते जो सुन्नत की मुखालिफत में हो, बिदत उसे नहीं कहते जो रसूल ने नहीं किया, अगर रसूल ने नहीं किया उससे सिर्फ ये साबित होता है कि वो काम सुन्नत नहीं है, अगर हुजूर कर लेते तो वो काम क्या हो जाता, सुन्नत बन जाता। लेकिन बहुत से काम हुए हैं कि जो सुन्नत नहीं होते, सवाब का काम होता है। ये कह रहा है कि इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैह, इन्होंने बिदत की तारीफ फतुल बारी के अंदर लिखी है। ये जाहिल बता रहा है कि बिदत की तारीफ उन्होंने ये लिखी है कि जो काम सुन्नत के मुकाबले में किया जाए उसे बिदत कहेंगे, जो सुन्नत के मुकाबले में किया जाए वही काम बिदत है, और जिसे रसूल ने नहीं किया वो सुन्नत नहीं है। ये तारीफ नहीं, हम तारीफ चेक करेंगे हदीस पाक के अंदर, हदीस पाक के अंदर क्या तारीफ आई है, बाद में हम किसी अल्लामा के अकवाल को लेंगे, पहले हम चलते हैं हदीस पाक के अंदर कि हदीस पाक के अंदर बिदात किसे कहा गया है। आप नज़र दौड़ाइए, सुनन इब्ने माजा, इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाहि अलैह ने इस किताब के अंदर बाब बांधा है, बाब इज्तिनाब अल-बिदाई वल-जदली, यानी ये बाब बिदात और झगड़े से इज्तिनाब के बारे में है। और क्या हदीस बयान करते हैं, बिदात की तारीफ़ ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो की है, हमें उसी में समझ लेना है कि बिदात कहते किसे हैं, बाद में अगर हमें समझ ना आए तो किसी अल्लामा के अकवाल के ऊपर हम नज़र दौड़ाएंगे, अगर उनका कौल आप अलैहिस्सलाम के कौल से टकराता हो तो उनके कौल को रद्द कर दिया जाएगा, मुस्तरद कर दिया जाएगा, और आप अलैहिस्सलाम की हदीस ली जाएगी। तो सबसे पहला मरहला हदीस चेक करें, हदीस के अंदर हदीस ला रहे हैं, एक लंबी हदीस है, इसका तर्जुमा आप देख लीजिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमाते तो आँखें सुर्ख हो जाती, आवाज़ बुलंद हो जाती, गुस्सा तेज़ हो जाता, गोया के किसी लश्कर से खौफ दिला रहे हैं। फरमाते हैं कि तुम्हारी सुबह ऐसी है, तुम्हारी शाम ऐसी है,
और फरमाते हैं कि मैं और कयामत इस तरह भेजे गए हैं, यानी अंगुश्त शहादत और दरमियानी उंगली को मिलाते ऐसे, और फिर फरमाते अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल उमूरी किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ضلالة। सबसे बेहतर अम्र अल्लाह की किताब है और सबसे बेहतर तरीक़ा आप अलैहिस्सलातु वसलाम का तरीक़ा है। सबसे बदतरीन तरीक़ा दीन में नई बातों का पैदा करना है। यह है बिदअत की तारीफ, इसे नोट डाउन कीजिए। सबसे बदतरीन काम दीन में नई बातों का पैदा करना है और हर नई बात गुमराही है। यह हो गई बिदअत की तारीफ कि दीन के अंदर उसका हिस्सा बनाना सबसे बदतरीन काम है, कि आपने एक नई चीज़ का वजूद उसमें डाल दिया, और हर नई बात ये गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में इंसान को ले जाने वाली है। जी, अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि है क्या चीज़, ये बिदअत है क्या चीज़। बिदअत हर उस काम को कहेंगे जो शरीयत मुहम्मदिया के अंदर, मजहब इस्लाम के अंदर दीन समझ कर किया जाता हो, इस्लाम का और दीन का उसको हिस्सा बना दिया गया हो कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे सवाब मिलेगा, नहीं करूँगा तो गुनाह होगा, इस्लाम का लेबल लगाया गया, इसे कहते हैं बिदअत। और इसका सबूत कुरान और हदीस में ना हो, इसे कहते हैं बिदअत। कुरान में भी ना हो, हदीस में भी ना हो, आपके फरमान में ना हो, सहाबा के ज़िंदगी में ना हो, ये है बिदअत, और उस इजमा से उसका कोई ताल्लुक ना हो। जी, एक है बिदअत और एक है इंतज़ामी मामलात। बरेलवी हजरात जो मिलाद तीजा चालीसवा करते हैं, ये सवाब समझ कर करते हैं, है ना, सवाब समझते हैं तभी तो इसको अंजाम देते हैं। और एक इंतज़ामी मामलात है जो हम उलमाए हक, उलमाए देवबंद, जो तबलीगी जमात की शक्ल में एक तबलीग के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, ये इंतज़ामी मामलात है कि आपको कब निकलना है, कैसे निकलना है, लेकिन काम वही हो रहा है जो आप अलैहिस्सलाम ने किया था, काम पर फोकस करना। और बरेलवी हजरात जो करते हैं, हमें उनके जगह मौका महल से कोई फ़र्क नहीं, आप जो काम कर रहे हो ना, उसे खाना बख्शवाना फलाना और मुर्दों के सामने अगरबत्ती जलाना मोमबत्ती जलाना, ये जो अमल आपका हो रहा है, जलाने वाला अमल, इसी तरह कब्रों पे जाके सलात व सलाम पढ़ना, ये अमल जो हो रहा है ये बिदात है। ये आप कैसे कर रहे हैं, किस वक्त कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, आप क्या कर रहे हैं मैटर ये करता है। असल प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आप कर क्या रहे हैं। ये अगर तबलीगी हजरात 40 दिन के लिए निकले हैं लेकिन वहाँ जाकर वो न्याज फातिया कर रहे हैं, तब तो उनका तबलीग करना ही बिदात है, तबलीग में जाना ही उनके लिए फिर बिदात है और गुमराही का एक ज़रिया है। लेकिन वहाँ जाकर वो क्या करते हैं, अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, नमाज की दावत देते हैं, इस्लाम की बातें करते हैं, लोगों को दीन से करीब करते हैं, रास्ते में गश्त वो करते हैं सड़कों पर निकल कर, तो ये तो नबी वाला काम है। आप इंतज़ामी मामला को मत देखिए, आप उनके कामकाज को देखिए कि वो वहाँ जाकर लोगों को दूध पिला रहे हैं या शराब पिला रहे हैं, आप ये देखिए वो किस पैकेट में लेकर गए हैं, किस चीज़ में लेकर गए हैं, वो मत देखिए। अगर कोई शख्स शराब अच्छे बर्तन में लेकर जा रहा है तो उसका ले जाना भी बुरा अमल है ये, और अगर कोई शख्स दूध ले जा रहा है सिर्फ थैली में लेकर जा रहा है, मामूली सी एक थैली है, तो वो लोगों को अगर पिला रहा है तो यकीनन उसमें सवाब है और वो कार्य खैर है। ये यही फ़र्क है, बरेलवी हजरात लोगों को शराब पिला रहे हैं और हम उलमाए हक और देवबंदी हजरात जो हैं वो लोगों को दूध पिला रहे हैं। अब हमारी थैली पे नज़र ना दौड़ाएं कि हमारी थैली किस किस्म की है, आप उसके अंदर जो मटेरियल है उस चीज़ पे फोकस करें, ये फ़र्क है हमारे और आपके मामलात में। इसी तरह बहुत सारी हदीसें बयान की है, ये तो एक हदीस आपको मैंने सुना दी। दूसरी हदीस जो सबसे ख़तरनाक है, बरेलवियों के गले का कांटा है, उसे ज़रा नज़र पर रखिए। हाँ, जो बरेलवी हजरत के लिए गले का कांटा है वो ये हदीस है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साहिब बिदात का अल्लाह तबारक व तआला रोज़ा नमाज सदका हज उमरा जिहाद फ़र्ज नफल कर्ज कोई भी नेक अमल कबूल नहीं फरमाते हैं। वो बिदाती शख्स इस्लाम से इस तरह निकल जाता है जिस तरह बाल आटे से निकल जाता है। ये हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। आप अलैहिस्सलाम ने साफ इनकार कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला बिदअती की ना नमाज़ कबूल करता है, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना हज, ना उमरा, ना जिहाद, ना नफल, कोई अमल उनका काबिल कबूल नहीं है जब तक वो बिदअत के दलदल में है। बिदअत से जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। यानी बिदअती शख्स इस्लाम से इस तरह निकलता है जिस तरह बाल आटे से आप निकाल लें, इतना सा फ़र्क है। तो बिदअती हज़रात को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि वो किस दलदल में फंसे हुए हैं। आगे दूसरी हदीस देखिए,
हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस वक्त तक बिदाती के अमल को कबूल करने से इनकार करते हैं जब तक वो बिदात न छोड़े। यह हदीस है सुनन इब्न माजा के अंदर, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यस, तो आप अगर साहिब बिदत हैं, तीजा चालीसवा नियाज फातिहा कुरान खानी मलिदा खिचड़ा और ये सब अगर आप करते हैं तो आपकी ना नमाज कबूल हो रही थी अब तक, ना ज़कात, ना हज, ना उम्रा, आपका इतना लंबा सफ़र करना भी बेकार गया। यह हदीस पाक के अल्फाज हैं। तो साहिब बिदत की बहुत बड़ी वईद है हदीस के अंदर। पता चला कि बिदात कहते किसे हैं, दीन इस्लाम के अंदर कोई नई बात आप पैदा कर रहे हैं अपनी तरफ से, अब उसको कैसे अंजाम दे रहे हैं वो बहुत दूर की बात है, उसे छोड़ दीजिए, आप कर क्या रहे हैं वो चीज़ देखना है, वो मैटर करता है कि आप कर रहे हैं क्या, उसका ताल्लुक कुरान और हदीस से है या नहीं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, फिर चाहे वो झोपड़ी में नमाज पढ़े या किसी रेस्टोरेंट में जाकर नमाज पढ़े, हाई फाई होटल में वो नमाज पढ़े, देखना यह है कि वो नमाज किस तरीके के मुताबिक पढ़ रहा है, कुरान और सुन्नत में जो नमाज का तरीका आया उसके मुताबिक पढ़ रहा है, तब तो उसकी नमाज झोंपड़ी में भी कबूल करेंगे अल्लाह ताला। और अगर कुरान और सुन्नत से हट कर वो नमाज़ पढ़ता है तो बड़े से बड़े होटल में भी अगर वो नमाज़ पढ़ ले उसकी नमाज़ कबूल नहीं होगी। ये यही मिसाल है साहिब बिदअत की। आप अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उसका ताल्लुक कुरान और हदीस से नहीं है, दीन इस्लाम से नहीं है, वो काम आपका कबूल नहीं किया जाएगा, आपके मुँह पर मार दिया जाएगा ये चीज़। और अगर जिस तरह तबलीग की इन्होंने मिसाल दी, इसी तरह मदारिस की इन्होंने मिसाल दी, तो मदारिस में वही काम हो रहे हैं जो रसूलुल्लाह के ज़माने में होता था। सहाबे किराम इल्म हासिल कहाँ करते थे, मस्जिद नबवी में, तो वो भी एक मस्जिद है, हल्का लगा दिया मस्जिद के अंदर। अब भले उस मस्जिद के अंदर पंखा नहीं था, एसी नहीं थी, लाइट नहीं थी, दर दीवार चमक धमक वाले नहीं थे, तो उससे हमें क्या लेना देना, लेकिन उनका अमल तो वही था ना, चार जानों बैठ कर या दो जानों बैठ कर अदब एहतराम के साथ कुरान करीम को हिफ्ज़ करना, हदीस नबविया को अपने सीने में महफूज करना, वही काम तो हम मदारिस वाले कर रहे हैं, तबलीग वाले वही काम कर रहे हैं। तो ये अलग बात है, आज का दौर टेक्निकल दौर है, डिजिटल ज़माना है, तो जाहिर है सामान तो बदलेंगे। अब बरेली हजरात कहेंगे भाई बिरयानी खाना कहाँ से साबित है, ये भी उन्होंने बिदअत में दाखिल किया हुआ अपने ज़ोम के मुताबिक, तो बिरयानी क्यों खाते हैं ये फिर तबलीगी हजरात, जब इन्होंने बिदअत कहा, और रसूलुल्लाह के ज़माने में बिरयानी नहीं थी, रसूलुल्लाह के ज़माने में चार चक्के गाड़ी नहीं थे, मोटरसाइकिल नहीं थी, बाइक नहीं थे, तो सवारी पे सवार क्यों होते हैं, हवाई जहाज़ उस वक्त नहीं था, एरोप्लेन नहीं था। तो ये बिदअती हजरात के बेबुनियाद सवाल थे, फजूल किस्म के सवाल हैं, फजूल किस्म के भाई। जैसा जैसा ज़माना बदलता गया वैसे वैसे हालात बदले, वैसे वैसे लोग बदले, तो जाहिर है अब बहुत सारी आसानी अल्लाह ताला ने पैदा कर दी है, ये भी अल्लाह की एक कुदरत का एक कानून है। तो हवाई जहाज़ पे सवार होना बिदअत नहीं है, बिरयानी खाना बिदअत नहीं है, बिदअत थोड़ी हुआ। अगर बिदअत उस वक्त होगा जब हम नए तरीके के मुताबिक खा रहे हैं, चाहे आप बिरयानी खाएँ या फिर उस ज़माने का खजूर खाएँ जो आप अलैहिस्सलाम खाया करते थे, खजूर और पानी से इफ्तार करते थे, तो खाना दोनों को सुन्नत के मुताबिक है, अमल हमारा सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात को ये बातें समझ में आ गई होंगी, और बिदअत की क्या क्या किस्में हैं जो उलमा ने बयान की है वो इंशाल्लाह हम दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे कि बिदअत की क्या क्या किस्में हैं और किस तरह की बिदअत से हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ये बात मालूम हो गई होगी कि बिदअत किसे कहते हैं और इंतज़ामी मामलात किसे कहते हैं। जो इंतज़ामी मामलात है, दुनियावी कामकाज है, वो बिदअत नहीं है। सवारी पे आप सवार हो रहे हैं तो सवारी पर सवार होने का सुन्नत तरीका जो है उसे फॉलो करना है, चाहे आप रिक्शे में सवार हो जाएं या आप घोड़े पे सवार हो या हवाई जहाज़ पे सवार हो, आपके ऊपर है। अल्लाह तबारक व तआला आपको साहिब बिदअत से बचाए और ऐसे जाहिलों से, ऐसे रज़ाखानियों से, बरेलवियों से आप तमाम की हिफाजत फरमाए और बिदअत के दलदल से आप लोगों को भी निकाले। वमा अलैना इल्लल बलाग।